शून्यकाल में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर राज्यपाल के अभिभाषण से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया व इस पूरे मामले पर चर्चा कराने की मांग की। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों व अभिभाषण से छेड़छाड़ की सूचना को राज्य शासन के पास स्पष्टीकरण के लिए भेज रहे हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में जो बातें नहीं पढ़ी गई उसे सदस्यों को वितरित किया गया। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि जिस अभिभाषण को स्वीकृत नहीं किया गया उस अभिभाषण की प्रतियां बांट दी गई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि विधानसभा व लोकसभा में कानून बनता है लेकिन राज्यपाल को पढ़ने के लिए अलग कॉपी दी है। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा विधायकों से कहा कि आरक्षण का विरोध करोगे तो सड़क पर खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी।